ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है। आज तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन जो है वो आपको सक्सेस दिलाने वाला रहेगा, तरक्की उन्नति दिलाने वाला रहेगा। एफर्ट्स तो करना ही होगा आपको, इसमें कोई दोराय नहीं है। नया वाहन खरीदने का आज मन बन सकता है और ध्यान रखिएगा किसी भी बात को पूरी तरीके से समझे बगैर उस पर कोई भी अपनी ओर से टिका टिप्पणी मत कीजिएगा, अपनी ओर से कोई वादा मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में घी का दान अवश्य कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपका जो आज का दिन है वो प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं से मिश्रित रहेगा। व्यवसाय के स्थल पर अधिकारियों का रवैया जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, वाद विवाद मत करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए कौओं को पनीर अवश्य खिलाइएगा। यदि आप कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, मान लीजिए ये सबके लिए है, जरूरी नहीं किसी एक राशि के लिए, बड़ा ही अच्छा उपाय है कि शुक्रवार के दिन यदि आपके शहर में कौए हों तो वहाँ जाकर आप कुछ भी, या तो घर से आप बिल्कुल गाड़ी खीर बना के ले जाइए, पनीर तो सेकंडों में चट कर जाते हैं। बड़े से बड़ा फाइनेंशियल लॉस यदि है आपको तो वो फाइनेंशियल लॉसेस दूर होते हैं, धन कमाने के रास्ते खुल जाते हैं। प्रैक्टिकल मेरा खुद का अनुभव किया हुआ उपाय है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन अच्छा है, इसका पूरा फायदा उठाइएगा और कार्य में सफलता आज आपको प्राप्त हो सकती है, रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। बस अपने जो सहयोगी हैं, जो अपने साथी हैं या घर के जो सदस्य हैं, उनके बीच में बहस नहीं होनी चाहिए, बहस में उलझना नहीं है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी का दिल न दुखाने का संकल्प कीजिएगा। पंडित जी, अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, आरती जी हैं भीलवाड़ा से, जो कि अपने हस्बैंड राम अवतार जी के लिए जानना चाहती हैं। राम अवतार जी की जन्म की तारीख है 26/1/1966 और जन्म का समय है रात का 1:15 का। आरती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ, मैं अपने पति के बिजनेस के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। क्या क्या बिजनेस करते हैं बेटा? कपड़े का बिजनेस करते हैं। कोई नाम दुकान का? हाँ, एच से नाम है उनका, एच से का वो स्टार्ट है उनके बिजनेस का नाम। एच एस 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 फॉर श्याम। हाँ अच्छा, और ये इनका 26 की रात का जन्म है? 25 की रात का है और 26 की सुबह। हाँ ठीक है। देखो बेटा, आरती, आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में एक तो केतु की महादशा चल रही थी मई 2009 से और ये ख़त्म होने वाली अभी 5-10 दिन में 3 मई 2016 को। केतु जो है वो सांप है, कालसर्प दोष है आपके पति की जन्म कुंडली में, जिनके कारण इनके कैरियर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो पैसों के घर में केतु बैठा हुआ है, केतु सांप की पूँछ है, टेढ़ा चलता है। तो केतु की महादशा चल रही थी जिसके कारण इनको इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला। अब 20 साल के शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी अगले महीने से और शुक्र इनकी जन्म कुंडली में मित्र राशि पे बैठा हुआ है, इनके जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ पीरियड शुरू हो जाएगा। अब घबराइए मत, दो चीज़ें करनी है। पहला तो एक सर्प दोष की शांति करवानी है, जब भी समय मिले, अभी तो कुंभ का मेला चल रहा है, बाद में कुंभ के पश्चात में उज्जैन जाके सर्प दोष की शांति करवाएं। दूसरा, इनकी जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति बनी हुई है, शनि मंगल कभी भी साथ नहीं होते। अक्सर हमारा प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि जिन जातकों की कुंडली में शनि मंगल साथ हो जाते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में या तो शारीरिक या आर्थिक या मानसिक या दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आने लगती है। तो वहीं भिलवाड़ा में किसी खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष या खेजड़ी के पेड़ के नीचे एक बार मंगल शनि की शांति करवा लीजिए और आने वाला समय बहुत अच्छा है, चिंता नहीं कीजिए। एक पन्ना रत्न इनको पहना के रखिएगा, एमरल्ड जिसको बोलते हैं, और नाम चेंज कर लीजिए। इनको जो नाम सूट करता है वो एम पे करता है, दुकान का नाम यदि माँ पे हो, एम पे हो, तो वो उनको ज़्यादा फायदा देगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, श्रीगंगानगर से मायना है, जो कि अपने पुत्र वीरेंद्र के लिए जानना चाहती हैं। वीरेंद्र की जन्म की तारीख है 26/8/1997, उनके जन्म का समय है 5:55 का। मैना जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैना जी अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में NIT कर रहा है कुरुक्षेत्र से।
अच्छा बहुत बढ़िया, तो जैसे मेहनत कर रहे हो सर उसके एक पॉइंट से कुछ कैसे रह जाता है। देखो बेटा, मैं ना बच्चे की जो जन्म कुंडली है वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी राहु की महादशा इस बच्चे को चल रही है। राहु मतलब सर्प, टेढ़ा चलने वाला, हर काम में रुकावट लाने वाला, एक एक दो दो नंबर से रिजल्ट को नेगेटिव कर देने वाला। तो ये राहु के कारण इस तरीके से इस बच्चे की लाइफ में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। राहु की महादशा इसको ख़त्म होगी सन 2020 के अंदर। जब भी अब ये छुट्टियों में आपके पास आए तो एक काम करिएगा, एक गोमेद रत्न ले लीजिएगा, 7.25 रत्ती का, मध्यमा उंगली में चांदी में इसको पहना लीजिएगा, और अगर अंगूठी नहीं पहने तो पेंडेंट में आप उसको 5.25 या 7.25 रत्ती का रविवार के दिन गोमेद रत्न अवश्य पहना दीजिए। दूसरी जो समस्या है, दो समस्या हैं, वो आप घर पे कर सकती हैं, बच्चे को करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कुंडली में जो है गुरु नीच का है, घर में केले का पौधा रखिए और केले के पौधे के समक्ष रोजाना देशी घी का दीपक करिए, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे पुत्र की जन्म कुंडली में जो गुरु नीच का है, जो ग्रह दोष है गुरु से संबंधित, उसकी शांति हो और उसको शुभ परिणाम प्राप्त हो। भाग्य में शुक्र नीच का है, 27 शुक्रवार नियम मान लीजिए, आपको 10 वर्ष से कम की जो कन्याएं हैं उनको हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है आपके बच्चे के नाम से। कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, कभी खाने का, कभी स्टेशनरी आइटम। तो 27 शुक्रवार आपको ये करना है, निश्चित तौर पे आपके बच्चे की सफलता के अंदर 4 चांद लगेंगे और हमारा आशीर्वाद उसके साथ है। चलिए दर्शकों, अब जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को सफल बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कोई इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं या काम हैं उनको थोड़ा सा टालना आज का दिन बेहतर रहेगा। आलस्य के कारण असफलता भी मिल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी का इंतजाम अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो बात करें वो कागज पर नोट करके करें, कागज को हाथ में लेकर करें, अपने काम के प्रति कंसंट्रेट होकर करें, समर्पित रहें। आज आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपकी बातों से सहमत होंगे, कार्य में सुधार होगा। आज के दिन की सफलता के लिए गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप इस बात पर जरूरी तौर पर ध्यान दें कि आपको कब क्या कहना है और कब बिल्कुल चुप रहना है। तनाव से बचिएगा, निवेश सोच समझ कर कीजिएगा और झूठ मत बोलिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, ये तो हुई राशियों की बात। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, ये कलयुग है और अभी आज का जो दौर है उसमें काम की भागदौड़ बहुत हो गई है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, टारगेट ओरिएंटेड जॉब मिल रहे हैं कि भाई आप इतना टारगेट करके दोगे तो आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतना कमीशन मिलेगा। टारगेट नहीं पूरा होता है तो बॉस 2 मिनट में रात को 12 बजे भी क्लास लगा लेता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इतना जो वर्क प्रेशर है, उससे जो इंसान है वो डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है और वो जो डिप्रेशन है कई बार इतना बढ़ जाता है कि जो इंसान है जो डिप्रेशन से पीड़ित है वो कुछ समय के लिए अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। कुछ लोग डिप्रेशन के कारण पागलपन का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्या होता है जब आप टीवी पे सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? ये जो सुसाइड करने से पहले की जो स्टेज होती है, इट कैन बी काइंड ऑफ डिप्रेशन। एक जो प्रेशर है वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। आप वर्किंग में हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपके ऊपर इतना प्रेशर रहेगा। तो कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर को इजीली हैंडल कर लेते हैं और कुछ लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते, और जो हैंडल नहीं कर पाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य डिप्रेशन जैसी बीमारी से पीड़ित है तो आज मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है, बहुत सरल सा मंत्र है। ओम लक्ष्मी कांतम नमः। ओम लक्ष्मी कांतम नमः, भगवान विष्णु का मंत्र है। ओम लक्ष्मी कांतम नमः। प्रतिदिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तुलसी जी की पौधे की 11 परिक्रमा करते जाइए और इस मंत्र का जाप करते जाइए। घी का दीपक अवश्य जलाइएगा, जल तो अर्पण करना है। यही प्रक्रिया आपको शाम के समय भी करना है। निश्चित तौर पर ऐसा करने से जो मानसिक अवसाद है वो खत्म होगा, डिप्रेशन जो है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अदरवाइज डॉक्टरों के पास जाओगे तो दवाइयाँ दे के आपको सुला देंगे और नहीं हो तो डिप्रेशन का और
मेंटल केस बना देगी। तो एक सरल सा उपाय, तुलसी की माला का धारण करें तो निश्चित तौर पर बेहतर लाभ मिलेगा। घर में चांदी का कोई भी पात्र हो, गिलास इत्यादि हो, उसमें जल शरबत इत्यादि जो भी आपको पीना है वो चांदी के पात्र से पीना है। राजा बन जाइए कुछ दिन के लिए, सोने चांदी के बर्तनों का में खाना खाइए तो निश्चित तौर पर डिप्रेशन दूर होगा। सोमवार और पूर्णिमा की रात्रि को चावल दूध मिश्री चंदन लकड़ी चनी, ये जो चीनी आती, शक्कर आती, खीर, सफ़ेद वस्त्र, चांदी इत्यादि वस्तुओं का दान करना चाहिए। और प्रातःकाल कच्चे दूध में सफ़ेद चंदन को घिसकर मस्तक पर उसका तिलक लगाइए, ये डिप्रेशन आपके आसपास फटकेगा भी नहीं। तो सरल से उपाय आजमा के देखिएगा। जय श्री कृष्ण। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पर निजी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और डिप्रेशन दूर करने का इतना ही लाभकारी मंत्र बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।